सर ये इलेक्शन से उसकी तैयारी है? देखिए विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं और हर विधायक का अपना कार्यालय होता है। वो वास्तविकता में विधायक का कार्यालय होता है, वो जनता का अपना कार्यालय होता है, जनता का अपना स्थान होता है जहाँ जनता आती है, अपने चुने प्रतिनिधि से अपेक्षा करती है और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है। तो ये सामान्यतः दिल्ली में मेरे नहीं लगता कोई विधायक ऐसा होगा जो अपना कार्यालय न चलाए। तो आज अभेदी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जनता को कार्यालय बनाकर दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हर चीज़ को अगर हम चुनाव से जोड़ेंगे तो चुनाव तो दोनों बातें हैं, चुनाव में तो भी समय है 2 वर्ष का और अभेदी दफ्तर खोल रहे हैं तो विधानसभा के चुनाव तो अभी हुए हैं, तो चुनाव उनके अपने चुनाव तो 5 वर्ष के बाद है। तो किसी भी तरह से इस दफ्तर का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये जनता की सेवा के लिए एक संकल्प है और ये संकल्प वो अपना संकल्प दोहरा रहे हैं लोगों के सामने कि देखिए मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो आज हम उन्हें बधाई देने आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी आए हैं। हालांकि कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, वो सब के बावजूद सारी सुरक्षा सारे नियम कानून का पालन करते हुए यहाँ लोग आए। सर ये अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि वो बहुत तैयारी कर रहे हैं COVID-19 के लिए, जो कोई बीमारी ना हो, बहुत महीनों से ये चलता जा रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड? हम तो इतना कहेंगे कि जिस दिन उन्होंने कहा था कि 5.5 लाख हमले हो जाएंगे दिल्ली में और उस दिन जो है ये लग रहा था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और जब लगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर स्थिति ये आई कि अमित शाह जी ने चार्ज ले लिया, 14 दिन को मीटिंग की और मीटिंग होने के बाद वो जो चार्ज लिया गया उसका नतीजा ये हुआ कि जो देश में 5.5 लाख मामले हो जाएंगे, दिल्ली की जनता को दहशत में एक दहशत बिना माहौल यहाँ पर बन गया, उसको दूर किया गया और आज जब गाड़ी चल पड़ी, स्थिति कंट्रोल में आ गई या संभाली जा रही है, अस्पतालों के लिए 10,000 सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एक नया स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया, 1,000 बेड जो है वो DRDO ने तैयार कर दिए, 400 वेंटिलेटर भारत की सरकार ने PM केयर फंड से दिल्ली की सरकार को दिए हैं, जो दिल्ली की सरकार पिछले 5.5 साल में एक वेंटिलेटर नहीं ला पाई और बल्कि दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर कम हो गए और भारत सरकार ने तुरंत उनको वेंटिलेटर दे दिए, अब कहते हैं वेंटिलेटर लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश करना या फिर राजनीति करना, ये 2 खास बातें केजरीवाल ने इन 4 महीनों में लोगों के ऊपर ये एक उदाहरण के रूप में पेश की है और जनता समझ चुकी है कि दिल्ली में जो लोग सत्ता में है उनकी अनुभवहीनता और उनकी इच्छा शक्ति में कमी और इतने बड़ी विपदा में भी वो इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दी, लोग बहुत मायूस है और दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो दिल्ली के लोगों की लाशों पर राजनीति कर रही थी, जो हमने देखा मरने वालों की संख्या में के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की गई, घुमाने की कोशिश की गई, जब दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट की जरूरत थी, जब टेस्ट बंद कर दिए गए क्योंकि जिससे कि लोगों का कोरोना पता ना लगे और यहाँ तक हुआ कि क्रिमेशन तक किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर दिल्ली में जो मृत लोगों के साथ हुआ, उनके शरीर के साथ जो हुआ, जिस तरह से बोरियां पड़ी होती है, इस तरह से मॉर्चरी में डेड बॉडीज थी। सर आपने तो दिल्ली प्रदेश ऑफिस में आपने ये भी कहा था कि जो पब्लिक नाखुश है, जिनके परिजन मर गए हैं, वो यदि केस करें तो आप उनका केस को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आपने तो यहाँ तक भी कहा था। निश्चित रूप से लोग बहुत दुखी थे, लोग रो रहे थे, लोग तड़प रहे थे, उनके उनकी आंखों के सामने उनके परिजन की जान जा रही थी, कोई उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। कितने मामले तो ऐसे, एक तो मामला मेरे ही संज्ञान में, मैं खुद फोन करता रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं था, मैसेज करता रहा और अंतिम कहता उनकी डेथ हो गई,
तो ये हालात दिल्ली में बने, मैं उस मंजर को दोहराना नहीं चाहता। आंखों के आगे जब आता है दो महीने पहले जो दिल्ली की स्थिति थी, आज लोगों को एक संतुष्टि है। प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से लूट रहे थे, आपने उस पर कैपिंग नहीं की, उन पर कोई डायरेक्शन नहीं दी, आप लफाजी कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे। अमित शाह जी ने आते ही सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कैपिंग कर दी, रेट्स को कंट्रोल कर दिया। दो दिन के अंदर अंदर जितने भी शव ग्रह में थे सबका विधिवत उनकी संवेदनाओं के अनुसार उनको क्रिमेशन किया गया। क्यों नहीं दिल्ली की सरकार ने कदम पहले उठाए, क्यों ऐसे हालात पैदा हुए, क्यों दिल्ली की सरकार ने खुद 5.5 लाख केस हो जाएंगे इस तरह का बयान देके लोगों के साथ बहस, लोग दिल्ली छोड़ के जाने लगे थे। आपको मालूम है कितने लोग दिल्ली से पलायन कर गए। पार्ट टू तो नहीं था जब वो बस कह रहे थे आनंद विहार में बस है, पूरी यूपी हरियाणा सारे इंडस्ट्रियल एरिया में ये बातें फैलाई गई। उन्होंने जब जनता कर्फ्यू लगाया गया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, तो उन्होंने कहा कि आज डीटीसी की सारी बसें चलेंगी। आखिर अगर भारत की सरकार ने जनता कर्फ्यू मोदी जी ने आह्वान किया तो उसका मकसद था कि लोगों को तैयार होना है कि लॉकडाउन होगा, लेकिन आप लॉकडाउन को सफल ना हो, आप सत्ता में रह के ऐसा कदम उठा रहे हैं, वही से आपकी मंशा। आनंद विहार में लोग आपने इकट्ठे किए, भीड़ इकट्ठी की जिससे कि लॉकडाउन फेल हो जाए, लेकिन उसका 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 नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को भ्रमित करके आपने उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया। सर अब कल की बात लेते हैं, कल आपने रोहिणी में एक कोविड सेंटर कंटेनमेंट जोन का एक शुभारंभ भी किया। ये अब आपके अपोजिशन वाले ये कहेंगे कि ये मोहल्ला क्लिनिक के तौर पे आप उसको प्रमोट करना तो नहीं चाह रहे? मैं तो ये कहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है आजकल, कोई तो यहाँ बताए। बड़े कहते रहे कि बहुत गुणगान कर रहे थे आप, बड़ी मार्केटिंग की आपने, इस कोविड के समय में एक भी मोहल्ला क्लिनिक ऑन नहीं है, फंक्शनल नहीं है, क्यों नहीं है? एक और सवाल सर ये आ रहा है कि जो खाना जो बनवाया गया या वितरित किया गया उसमें करोड़ों का पैसे का कोई ऑडिट नहीं हो पाया है। आपने आपकी पार्टी ने तो ये भी कहा कि हमें बताया जाए, जब मनोज तिवारी जी थे कि हमें बताया जाए कि कितने खाने बनते हैं हर एक दिन और कितने खाने बढ़ते हैं, तो उसके भी कुछ शायद वो नंबर्स नहीं है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पेमेंट कर रही थी तो वो पेमेंट पैसे का अब जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको पैसे नहीं मिले, और राशन का तो हम जानते ही कि अभी तक बहुत कम परसेंटेज ही राशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली के लिए मुहैया किया है मुकर्रर किया वो यूज हो पा रहे या वो अपटेक हुए हैं। दिल्ली में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह फेल हो गया, जो राशन वितरण था उसमें भारी गोलमाल की सब जगह चर्चा है, गरीबों तक वो राशन पहुंचा नहीं। और अब खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, अब टीचर से बोरिया जुड़वा रहे और उन टीचर्स पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कि सरकार का अपने प्रशासन की विफलता, अपने में व्याप्त भ्रष्टाचार, और आप उन टीचर्स को जो टीचर्स की जिले का काम है पढ़ाना, राशन बांटना नहीं है, लेकिन विपदा में उन्होंने आपके आदेशों का पालन किया, स्कूलों में गए और कई टीचर्स की तो डेथ हो गई राशन बांटते हुए, और अब आप 2 महीने बाद उनसे कह रहे बोरिया जुड़े और इतनी बोरी कर ले, और क्या मांग रहा है? अगर आपने सारी व्यवस्था को सही तरीके से आंका होता और उसके हिसाब से योजना बनाई होती तो आप ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। इस सरकार के कार्यकाल में इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी मौका नहीं है ये बात करने का, लेकिन भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोला है। तो सर फाइनली जैसे आपने हॉस्पिटल्स के रेट्स कैप किए, क्या आप ऐसा कोई व्यवस्था बनाएंगे या सरकार को बातचीत करेंगे ताकि वो जो राशन के हैं जो जो एक्चुअल जिनके राशन नहीं मिल रहे या जिनको मिलना चाहिए, क्या आप उस पर कोई कार्रवाई करेंगे या कोई मुहिम चलाएंगे? निश्चित रूप से राशन सबको मिलना चाहिए, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, कितने लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, उनको एक दाना राशन का दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया। उन लोगों के बारे में कौन चिंता करेगा?
कितने दिहाड़ी मजदूर ऐसे हैं जहाँ यहाँ रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है उस तरह का। उनके उनको राशन आपने दिया? अरे आप किसी को अगर रोटी मुहैया करा रहे हैं, अगर किसी को आप गेहूँ मुहैया करा रहे हैं, तो कौन सा आप उसको बेचारे को गरीब को अगर दो वक्त की रोटी आप मुहैया करा देंगे इस कष्ट में, और वो भी नहीं करा रहे आप। पर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री राशन है। केंद्र सरकार ने दाल भेजी, चने की दाल हर परिवार के लिए 1 किलो, आपने उसको बांटने से मना कर दिया। दाल राशन की दुकानों तक पहुंच गई, लेकिन ऑर्डर निकालकर राशन होल्डर, राशन कार्ड, राशन व्यापारी को, राशन की दुकान के मालिक को ये बोला गया कि आप ये दाल नहीं बांटेंगे। अगर मोदी जी ने दाल भेजी है इसलिए ये दाल नहीं बटेगी, और उसके लिए बहाने निकाले गए तरह तरह के। निश्चित रूप से केजरीवाल जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि गरीब के मुंह से निवाला क्यों छीना। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.